अस्सलाम वालेकुम, मैं मदा यासे और मैं हूँ यासर नवाज। इस वक्त जो आप इतना जबरदस्त सेटअप देख रहे हैं, किसका सेटअप है? देखो, एक तो हम दुबई आए, हमने कहा क्या करें, ऐसे लकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो हमने सर्च किया और हमें मिले MDD इवेंट्स, मुनजा एहतशाम की टीम हमें मिली। हमने कहा वाह यासर, इनसे कराते हैं सेटअप। लेकिन फिर मसला आया तस्वीरों का, तो हाँ। तस्वीरें किससे, कौन बनाएगा हमारी? हाँ। जो बेहतरीन तस्वीरें हो, तो वो जो ऋषि क्लिक्स है, जबरदस्त, उन्होंने हमारी फोटोग्राफी की। और फिर आया मसला केक का, कि केक कहाँ से लाएं भाई, तो फिर हमें मिली हिना मोइन ने ये बेहतरीन केक बनाया, जिसमें फिलहाल तो स्वीट 16 लिखा हुआ है। मैं जब हूँगा 61 का, तब भी मैं अपना हिना मोइन से केक बनवाऊँगा। इस बन को मैं आगे कर लूँगा, इस केक को संभाल के रखूँगा। थैंक यू सो मच MDD इवेंट्स फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल इवेंट फॉर आवर डॉटर सिला। और आप लोग भी अब दुबई में जब भी कोई इवेंट कराना हो तो MDD इवेंट से रابطہ करें। थैंक यू। हाय, आई एम नदा यासर एंड आई वांट टू थैंक राबिया फ्रॉम ड्रीम टीम इवेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल सेटअप, एंड आई वांट टू थैंक मारिया फ्रॉम बेक फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल केक, यू रॉक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? निदा यासी ने अपनी बेटी की सालगिरह दुबई में से ही धूमधाम से मनाई। जैसा कि आप इन तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निदा यासी तो अपनी बेटी से भी कहीं ज़्यादा चची। हालांकि सालगिरह तो बेटी की थी, लेकिन निदा यासी ने इंस्टा प्रोफाइल पर अपने और अपने हस्बैंड ही की पिक्स अपलोड की, और जो अपनी बेटी की उसमें नीचे कैप्शन में लिखा कि ये सरप्राइज़ उन्हें उनके दोस्तों ने दिया, और इसलिए निदा यासी ने सबको थैंक्स भी बोला। सिला यासी के बर्थडे की तकरीब दो बार हुई, एक बार उन्हें उनके पेरेंट्स ने सरप्राइज़ दिया और एक दफ़ा उन्हें उनकी फ्रेंड्स ने सरप्राइज़ दिया। उनके पेरेंट्स ने जो सरप्राइज़ दिया उसमें बर्थडे थीम वाइट, पिंक और गोल्डन रखी गई, जबकि उनके दोस्तों की तरफ से मिलने वाले सरप्राइज़ में सिर्फ और सिर्फ वाइट थीम था, और उन्होंने खुद भी वाइट गेटअप ही किया। तो व्यूवर्स, आपको ये बर्थडे की पिक्स कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।